गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आज हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5। सो देखिए, फर्स्ट आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 8x² + 9x + 3 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन है आपने क्लास 10th में भी क्या किए हैं, फाइंड। अब देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता था -b + -b² - 4ac, ये होता था डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है, फॉर्मूला वही है -b + -, इसको ऐसे कर देना आपने 4ac² - b² साथ में क्या लगा देना है, इसके आइटा लगा देना है और डिवाइडेड बाय 2a। प्लस माइनस के बाद क्या लगा देना आपने, आइटा लगा देना है, जहां इधर लगा देना आइटा, 4ac - b² कर देना है। क्लियर? आपका इस मेथड से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए बी एंड सी। तो देखिए, ए की वैल्यू है हमारे पास 8, बी की वैल्यू है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 9, और सी जो है वो है हमारा 3। अब हम फाइंड करेंगे, सीधा ही आंसर निकालना, तो सीधा डायरेक्ट आंसर भी आ जाइए, x = हमारे पास मेथड होता है -b + -4ac - b² (i) / 2a। क्लियर? अब देखिए, यहां वैल्यू फिट कीजिए, माइनस बी की वैल्यू है 9, प्लस माइनस 4, a की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 9, सॉरी सी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 9 और बी है 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, ए कितना है आपके पास 8, -9 + -8 3 = 24, 24 = 96 - 9 = 81 डिवाइडेड बाय 2a, 8 2 = 16। देखिए यहां पर क्या रह गया, आइटा रह गया, और यहां पर भी क्या रह गया, आइटा रह गया, 4 आइटा को साथ में लिखना है। क्लियर? -9 + -, ये बच जाएगा 15 आइटा डिवाइडेड बाय 16। क्लियर? और ये आ जाएगा आपका x, क्या जाएगा x, तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x -9 + -15 / 16 यहां अलग से क्या लगा लेना, -9 को डिवाइड कर देना 16 से, प्लस माइनस का साइन ऐसे रखना ना, √15 / 16 आइटा साथ में ऐसे रख लेना, ये आपके क्या आ जाएंगे, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। माइनस एक बार प्लस का लगा लेना, इसको एक बार क्या लगा लेना, माइनस का, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व x = (x + 1)² + (x + 2) = 72। तो इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करके x की क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है x + 1 = 72, ये गिवन है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको x + 1 ओपन करेंगे। देखिए x² (2x + 1), और ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 के साथ, x² + 2x = 72। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल x + 1 = x² + 2x + 1, इस x की मल्टीप्लाई कर दी x + 2 से, क्या बन जाएगा x² + 2x = 72। अब देखिए x² + 2x दोनों में क्या है, मैच है, तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, या मान लेंगे लेट, या पुट कर लो, पुट मान लो x² + 2x = आपने क्या माना, m मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m + x² + 2x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे m होगी, तो ये बन जाएगा m + 1, और ये क्या बन गया, m = 72। देखिए ये m हो गया और ये m + 1, इनके मल्टीप्लाई कीजिए m² + m, 72 पर
लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर बना दीजिए, 72 कैसे बनाइए, फैक्टर भी वन आ जाए, 9 ऐड जा 72, 9 है माइनस 8 है माइनस 72 इज इक्वल टू जीरो। एम एम प्लस 9 माइनस 8 कॉमन लीजिए, एम प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए एम कॉमन आता है, एम कॉमन ले लिया, एम प्लस क्या बच गया 9, यहां से माइनस 8 कॉमन ले लिया, एम प्लस क्या बच गया 9 इज इक्वल टू जीरो। एम प्लस 9 एम माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, ये दो फैक्टर बन गए। अब इनको अलग अलग इक्वल टू क्या रखो, जीरो। एम प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो m की वैल्यू आ जाएगी यहां पे माइनस 9 और यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी 8, m की दो वैल्यू आ जाएंगी माइनस 9 एंड माइनस 8 आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट m की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके चलोगे m इज इक्वल टू माइनस 9 व्हेन m की वैल्यू है, m है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो m की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 9 राइट में लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा उसका। क्लियर? अब ये हमारे पास x में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए वही मेथड से। a की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9, c की वैल्यू 9। तो फॉर्मूला एक्स माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। देखिए इफ माइनस बी, बी की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 4ac कितना बन जाएगा 4ac माइनस बी स्केयर, बी स्केयर है 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4। आइटा पढ़ाइए बाहर, एक मिनट रुको यहां से इसको आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू माइनस बी, बी की वैल्यू है यहां पे 2 प्लस माइनस 4ac 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 9 माइनस बी की वैल्यू है 2, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू है 1 और यहां पे आइटा गिवन ही है। क्लियर? तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 9 4 जा 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यहां क्या आ जाएगा आइटा माइनस 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 आइटा, और इसको आप लिख सकते हो माइनस 2, 32 को क्या लिख सकते हो 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू आइटा, इसमें से 2 आप कॉमन निकाल लो क्या बच जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2, 2 2 के साथ 2 क्या कर दो कैंसल, यहां 2 आइटा बच जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? माइनस 1 प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आइटा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी और पर अभी एम इज इक्वल टू 8 भी रखना है, तो आपके जो आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, एक आंसर तो आ गया आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आइटा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, एक्स स्क्वायर 2x 8 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको, इस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, इसके तो सिंपल बन रहे हैं, हमें पता चल रहा है क्या फैक्टर बन रहे हैं, 8 कैसे बनाइए 2 आ जाए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ये बन जाएंगे 4 माइनस 2 2x हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, यहां से x कॉमन ले लिए x प्लस क्या बच गया 4 माइनस 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर अलग से जीरो रखो, एक्स माइनस टू अलग से जीरो रखो, फोर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, टू माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर? तो आपके जो सॉल्यूशन आए हैं वो क्या कौन कौन से आए हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर आ गया, टू आ गया, माइनस वन प्लस माइनस टू रूट टू आइटा, ये आपके आंसर आ गए। क्लियर? ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए, माइनस वन प्लस माइनस टू रूट टू आइटा, एक्स की माइनस फोर एंड टू। तो ये क्या है, इस गिवन इक्वेशन के क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए। देखिए कितने मेथड आंसर आए हैं, वन टू थ्री एंड फोर, फोर रूट्स आए हैं। तो देखिए यहां एक्स की पावर मैक्सिमम टू है, ये वन होगी और यहां से वन होगी, तो कितनी बन गई, मैक्सिमम पावर फोर बन गई। तो इस इक्वेशन से कितने आएंगे, फोर रूट्स आएंगे। तो फोर एक आ गया माइनस फोर, सेकेंड माइनस सॉरी सेकेंड आ गया टू, थर्ड माइनस वन प्लस टू रूट टू आइटा, और फोर्थ वाला आप लिख देना माइनस वन माइनस टू रूट टू आइटा। क्लियर?